एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है विच इज़ अ सोनम कपूर इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक बट बहुत ही एलिगेंट मेकअप लुक है, जो कि आप कभी भी रिक्रिएट कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में आप रिक्रिएट कर सकते हो और बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। कोई भी एथनिक आउटफिट आप वेयर करोगे तो बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही एलिगेंट लगेगा। इस वीडियो में मैंने सोनम के लुक को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। आई होप मैंने सिमिलर सा मेकअप किया है। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सबसे पहले सोनम ने यूज़ किया है विटामिन सी सीरम ऑन हर फेस, बट मेरे पास विटामिन सी सीरम नहीं है तो मैं यहाँ पर VLCC का लाइटनिंग सीरम यूज़ कर रही हूँ। देन शी यूज्ड अ मॉइस्चराइजर, तो यहाँ पर मैं अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद उसने यूज़ किया है सनब्लॉक, तो यहाँ पर मैं न्यूट्रिजिना का सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद उसने यूज़ किया एंटी पोल्यूशन सीरम, तो मैं ये पार्ट स्किप करने वाली हूँ बिकॉज मेरे पास एंटी पोल्यूशन सीरम नहीं है। सोनम ने प्राइमर यूज़ नहीं किया था तो मैं भी प्राइमर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद में उसने अपने डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल को कवर करने के लिए कंसीलर यूज़ किया था, तो अब मैं भी कंसीलर यूज़ करूँगी। इसे अच्छी तरीके से मैं ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूंगी। आफ्टर कंसीलिंग हर डार्क स्पॉट्स एंड डार्क सर्कल्स उसने फाउंडेशन यूज़ किया था। बहुत ज़्यादा फाउंडेशन यूज़ नहीं किया था बिकॉज उसने कंसीलर से ही जो भी डार्क स्पॉट्स थे उसे कवर कर लिया था। उसके बाद में उसने बहुत ही कम फाउंडेशन अप्लाई किया था, तो मैं भी बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई करूँगी। अब इसे भी मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद उसने अपने अंडर आई को अच्छी तरीके से लूज पाउडर से सेट कर लिया था, तो मैं भी यहाँ पर लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आईज़ के ऊपर भी उसने लूज पाउडर अप्लाई किया था एंड पूरे फेस को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। अपने आईज़ के लिए उसने लिया है ब्राउन आई पेंसिल, तो यहाँ पर मैं एसेंस का ब्राउन आई पेंसिल ले रही हूँ एंड मैं अपनी लैश लाइन पे इसे अप्लाई करूँगी। लोअर लैश लाइन में भी उसने ब्राउन आई पेंसिल अप्लाई किया है, लाइक आउटर कॉर्नर में अप्लाई किया है। आईलाइनर लगाने के बाद में उसने हुला का ब्रॉन्जर यूज़ किया है अपनी आईज़ को स्मोक आउट करने के लिए। यहाँ पर मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्रॉन्जर यूज़ करूँगी एंड जस्ट अपने आईलाइनर को थोड़ा सा स्मोक आउट करूँगी। एंड उसके बाद में उसने अपने लिड पे एक शाइनी सा आई शेडो अप्लाई किया है। यहाँ पर मैं स्विस ब्यूटी का आई शेडो ले रही हूँ।
एंड उसके बाद मैं अपनी आईज़ को डिफाइन करने के लिए उसने अपनी क्रीज पे ब्रॉन्जर अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मैं फेसेस का ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। आईज़ का मेकअप करने के बाद मैं उसने यूज़ किया है ब्लशर, तो यहाँ पर मैं फेसेस का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसने अपने फेस को कॉन्ट्रोल किया था, तो यहाँ पर मैं फेसेस का कॉन्ट्रोलिंग पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटर के लिए उसने बहुत ही सटल सा हाइलाइटर यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैं फेसेस का हाइलाइटर ले रही हूँ। हल्का सा नोज़ पे अप्लाई किया था, क्यूपिड्स वो। और उसके बाद में उसने अपनी टॉप एंड बॉटम वाटरलाइन पे काजल अप्लाई किया था, तो यहाँ पर मैं रिमल का काजल यूज़ कर रही हूँ। सोनम ने कोई भी फॉल्सीज अप्लाई नहीं की थी, उसने जस्ट अपने आईलैशेस को कर्ल किया था एंड मस्कारा को कोट लगाया था, तो मैं भी वही करने वाली हूँ। उसके बाद में उसने रेड लिप लाइनर यूज़ किया था, यहाँ पर मैंने जीजी हरीद का लिप लाइनर यूज़ किया है। सोनम ने अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ किया था, बट मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं किया है, मैंने लिप बाम यूज़ किया है। लिपस्टिक के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ आई एम्स्टरडम की रेड लिपस्टिक। एंड उसके बाद में उसने सिंदूर अप्लाई किया था, यहाँ पर मैंने लिया है कलरवा का सिंदूर। बिंदी के लिए उसने रेड बिंदी नहीं लगाई थी, उसने काजल से ही ब्लैक कलर की बिंदी लगाई थी, तो यहाँ पर मैं रिमेल के काजल से ही ब्लैक कलर की बिंदी बनाऊंगी। और उसने अपना लुक कंप्लीट किया था सिल्वर झुमके से, बट मेरे पास सिल्वर झुमके नहीं है, मेरे पास गोल्डन है, तो मैं गोल्डन ही झुमके पहनूंगी। तो ये है कंप्लीट लुक। आई होप ये लुक आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा अगर आप इसे रिक्रिएट करना चाहते हो तो। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।